मामा शिवराज की कुर्सी पर अब भांजों की नजर है। मामा को दिल्ली तलब किया गया है। शिवराज सिंह चौहान दिल्ली पहुंचकर पीएम मोदी से मुलाकात करेंगे। हालांकि कहा तो ये जा रहा है कि सीएम राज्य में कोरोना को लेकर सरकार के प्रयासों पर प्रधानमंत्री मोदी को जानकारी देंगे, लेकिन वही बंद कमरों में भांजों की बैठक से नई अफवाह दूर पकड़ रही है। कहा जा रहा है कि मामा के विरोधी समझे जाने वाले नरोत्तम मिश्रा, कैलाश विजयवर्गीय और प्रहलाद पटेल की अगुवाई में बगावत की आग को भड़काया जा रहा है। हालांकि बीजेपी की परंपरा को समझते हुए खबरों का खंडन किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि मामा के राजकाज के तरीके पर कोई सवाल ही नहीं खड़ा होता, लेकिन मामा शिवराज के प्रशासन को शिवराज कहा जा रहा है। मामा के विरोधी भोपाल में कोविड से हुई मौतों को लेकर असंतोष जता रहे हैं। बहरहाल समझा जा रहा है कि चौथी बार मुख्यमंत्री बनकर शिवराज सिंह चौहान पार्टी के शीर्ष नेताओं के लिए चुनौती बनते जा रहे हैं, जब पार्टी आला कमान को नहीं सुहा रहा है। ऐसे में शिवराज को केंद्रीय मंत्रिमंडल के विस्तार में जवाब देकर उनकी सियासत की जमीन खिसकाने की तैयारी चल रही है। मजे की बात यह है कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हाथ से चुनावी बागडोर अपने हाथ में लेने की आलाकमान की कोशिश के पीछे यही मंशा है। बहरहाल यूपी में कहने को तो सरकार और संगठन में तालमेल के नाम पर योगी को आलाकमान के फैसले को मानने के लिए मजबूर कर दिया है, लेकिन यह साबित हो गया है कि यूपी विधानसभा में हार का ठीकराव योगी पर फोड़ना आसान हो गया है और जीत का सेहरा चुनावी चाणक्य के रूप में रणनीति का सेहरा अमित शाह के सर बंधेगा। राजस्थान की मुख्यमंत्री रही वसुंधरा राजे को भी हमेशा से मोदी शाह के खिलाफ माना गया है। दूसरी बार चुनावी चेहरा बनने के लिए वसुंधरा ने बीजेपी आला कमान पर खासा दबाव बनाया था, लेकिन उनके हारने पर अब हमेशा के लिए उनकी राजनीति खत्म करने की तैयारी हो रही है। वजह यही है कि कांग्रेस से सचिन पायलट को लाने के लिए लॉलीपॉप दिखाया जा रहा है। पायलट को समझाने की कोशिश हो रही है कि वसुंधरा राजे के विरोधी गुलाबचंद कटारिया का कद उतना बड़ा नहीं है। बहरहाल सत्ता की सियासत में पार्टी की वफादारी भी बहुत मायने नहीं रखती, बल्कि जीत के लिए वफादारों को दरकिनार कर दूसरे दलों के नेताओं को पार्टी में लाना रिवाज बनता जा रहा है। देश को कांग्रेस मुक्त बनाने की मुहिम अनचाहे ही कांग्रेस की शुद्धि का अभियान बनता जा रहा है। वहीं बीजेपी में कांग्रेस के नेताओं की सत्ता में साझेदारी का दबाव पार्टी की निष्ठा पर भारी पड़ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN।